नमस्ते। बात पर बात अशोक व्यास के साथ में, जैसा कि प्रतिक्रिया मंच प्रारंभ हुआ है और इसमें बहुत अधिक गढ़ी हुई बातें नहीं है, बहुत अधिक सोची समझी व्यवस्थित ढंग से सजाई हुई बातें नहीं है, तुरंत प्रतिक्रिया जो है उसको लेकर प्रतिक्रिया मंच की शुरुआत हो रही है, हो चुकी है। तो अब आप देखिए क्या लिखा है। यूक्रेन जैसा देश एमबीबीएस की पढ़ाई के लिए अच्छा अच्छा विद्यालय बनाता है, एक हमारा वाला है मंदिर बनाकर घंटा बजवाता है। ये कहां से आया है? ये कांग्रेस के लिए समर्थित एक मेवात कांग्रेस पार्टी का किसी ने बनाया है, और ये कोई लक्ष्मण सिंह जी हैं जिन्होंने बनाया। ये देखिए, ये डिटेल यहाँ पर लिखी हुई है, lakshmansingh4794@gmail.com इनका पॉलिटिकल पार्टी है। और लक्ष्मण सिंह जी का नाम मैंने जब गूगल किया तो वो कांग्रेस के साथ अन्य स्थानों पर भी संबंधित है, ऐसी पुष्टि होती है। तो इसलिए इसको हम चाहे आधिकारिक तौर पर कांग्रेस का स्टैंड है या नहीं है, पर ये आधिकारिक जैसा तो है ही है। अब इसके पीछे जो बातें हैं, दो वाक्य हैं और बहुत सारी बातें हैं। यूक्रेन जैसे देश के साथ में वो भारत की तुलना कहां से कर रहे हैं कि वहां पर एमबीबीएस की पढ़ाई के लिए लोग हैं। तो भारत एक स्वतंत्र राष्ट्र है और कोई पढ़ाई के लिए कहीं जाए ये उसका निर्णय है। जैसे कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ, न्यूयॉर्क में बैठा हुआ, अमेरिका में बहुत सारे ऐसे भारतीय हैं जो भारत भूमि से तब निकल गए जब भारतीय जनता पार्टी नहीं थी, बल्कि शायद भारतीय जनता पार्टी के बनने से पहले भी कई लोग हैं जो अमेरिका में या अन्य यूरोपीय देशों में जाकर भारत से बस गए। तो क्या इसलिए वो भारत के प्रति ऐसा भाव रखें कि भारत में सब कुछ खराब था इसलिए मैं भारत? ऐसा नहीं है। जो विदेश की धरती पर रह रहे हैं उनके हृदय में भारत उसी तरह से धड़कता है जैसी कि सांस्कृतिक आभा भारत की है। पर मुख्य बात की तरफ आते हैं, इसमें दो जगह मुझे ठेस पहुंची, जिसमें पहला तो भारत का ऐसे समय में ऐसी युद्ध की विभीषिका से जूझते हुए यूक्रेन में जो भारत के विद्यार्थी चिकित्सा की पढ़ाई करने के लिए गए थे उनके साथ तुलना करके और भारत को नीचे दिखाने वाली जो भावना है वो इसमें दिखाई देती है। और यूक्रेन जैसा देश एमबीबीएस की पढ़ाई के लिए अच्छे अच्छे विद्यालय, तो भारत में अच्छे विद्यालय नहीं है क्या? एम्स क्या है और कितने सारे मेडिकल कॉलेज हैं? अभी शोध करके बात नहीं कर रहा हूँ, सीधे सीधे बात कर रहा हूँ, पर भारत से निकले हुए भारतीय विद्यालयों से पढ़े हुए चिकित्सक दुनिया भर में नाम कमा रहे हैं, उसमें न्यूयॉर्क में भी बहुत सारे हैं। और बल्कि जो भारतीय मेरा है चिकित्सा से संबंधित, उसका तो लोहा सारा विश्व मानता है। तभी पर्यटन की दृष्टि से जो भारत में एक मेडिकल टूरिज्म विकसित हुआ है वो एक बड़ी बात है। पर और अधिक पीड़ा देने वाली समझ लीजिए या उनकी सोच की गहराई पर प्रश्न चिन्ह लगाने वाला दूसरा वाक्य है, एक हमारा वाला है मंदिर बनाकर घंटा बजवाता है। अच्छा, अब इसमें क्या हुआ, ये सेक्युलरिज्म वाली जो बात करते रहते हैं, तो भारत में सिर्फ मंदिर ही क्या है, गिरजाघर नहीं है क्या, और क्या मस्जिद नहीं है क्या, और क्या गुरुद्वारे नहीं है क्या? पर एक तो बात सिर्फ मंदिर को लेकर भी उन्होंने अपने भीतर जो हिंदू धर्म के साथ प्रश्न चिन्ह लगाने वाली बात है उसका परिचय दे दिया। तो मंदिर बनाने वाले सिर्फ भारत के प्रधानमंत्री या भारतीय जनता पार्टी हैं, ये सोच अपने आप में कितनी संकीर्ण, कितनी सीमित है। और मंदिर की तुलना एक एमबीबीएस के स्टूडेंट के लिए चिकित्सा के अध्ययन को करने के लिए उपलब्ध परिसर से ही कर देना अपने आप में कितनी बुद्धि की कंगाली का द्योतक है। अरे भाई, मंदिर क्या है, मंदिर की महिमा क्या है, मंदिर क्यों है और किस तरह से वो शाश्वत परंपरा से जोड़ता है जो वसुदेव कुटुंबकम की भावना को लेकर भारत को उस स्थिति में लाती है जब वैक्सीन भारत अन्य देशों को उपलब्ध करवाता है और पूरे विश्व को परिवार की तरह देखकर सबके निरोगी होने की कामना भावना को क्रिया रूप में जग जग तक, दुनिया तक पहुंचाने वाली ये जो सरकार है, उसकी आलोचना में न केवल सरकार की आलोचना हो रही है बल्कि जो मंदिर जाने वाला जो धर्मावलंबी है, अब कोई माँ 80 बरस की है उसको एमबीबीएस से मतलब पढ़ाई से तो उस तरह नहीं होगा ना। और ये तो जीवन दृष्टि की बात है,
वो तो शरीर को बचाए रखने की विद्या की बात है, जो कि भारत में भी बड़ी अच्छी गुणवत्ता वाली उपलब्ध है और भी हो रही है। और एमबीबीएस की पढ़ाई के लिए, अन्य तकनीकी शिक्षाओं के लिए या डिजिटल क्षेत्र में विकास करने में मंदिर बाधक नहीं होते हैं, ये सोच भी विकसित जहां नहीं हो पाई हो वहां क्यों गुस्सा किया जाए। और ये लड़ेगा बढ़ेगा जीतेगा यूपी, तो जीतेगा तो यूपी, पर यूपी में जीतने वाली कांग्रेस होगी कि नहीं वो तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन लेकिन जब शीर्ष रूप से भी कई बार ऐसे वक्तव्य आ जाते हैं जो इस तरह की भावना का परिचय दे रहे होते हैं कि कुछ भी करो उसमें कमी निकालनी है, जो भी होगा उसमें भारत कहाँ नीचे है ये जग को जाहिर करके बताना है कि भाई वर्तमान सरकार ठीक नहीं है, पर उसमें जैसे कहते हैं एक अंगुली और ये वाला जो है वो बात भी नहीं है। यहाँ तो भारत मोदी चाहे ना हो लेकिन भारत की आलोचना, भारत की निंदा से जिस जिस को प्रभाव पड़ रहा है उसमें वो कांग्रेस के सदस्य और नेता भी तो शामिल हो जाते हैं ना। चलते चलते इतर बात क्या है, सब्सक्राइब करिए किसको, YouTube.com हैरम स्टूडियो को। बात पसंद आए तो लाइक करने में अपने को कोई संकोच नहीं करना चाहिए, पर इससे भी बड़ी बात यह है कि प्रतिक्रिया मंच जो प्रारंभ हुआ है इसमें इसी प्रकार से ऐसे विषय जो हमें उद्वेलित कर दें, हमें छू जाएं, उन पर बात होगी। कभी ऐसी बात होगी जो हृदय से हो, कभी ऐसी बात होगी जो बुद्धि से हो, कभी ऐसी बात होगी जो दोनों का मिला जुला संगम हो। कभी बात करने वाला यही मनुष्य आपके सामने होगा जिसका नाम है अशोक व्यास, कभी कभी आपको साथ लेकर भी प्रतिक्रिया मंच में हम सजाएंगे गोष्ठी और बढ़ेंगे आगे। विकास के लिए संवाद आवश्यक है और संवाद के लिए ये भी चुनना आवश्यक है कि हमारे एक बात पर तो प्रतिक्रिया करें नहीं, और अपने भीतर इस तरह के वक्तव्यों से जिनमें गहराई की बहुत कमी दिखाई देती है उससे प्रभावित ना हो। पर अभी प्रभाव के भाव को लेकर प्रतिक्रिया हमने की है, कांग्रेस की तरफ से निकले हुए इस वक्तव्य के प्रति जो हमने इनको बहुत सम्मान दे दिया है, अपना सम्मान करना आवश्यक है, और अपना सम्मान करने की जो सीख भारत हमें देता है उसको अपनाने की तरफ हम बढ़े। भारत माता की जय जयकार हमारे हृदय में, हमारी धमनियों में होगी तो हमारा विकास, समग्र विकास निश्चित रूप से होगा। नमन, जय हिंद, जय भारत।